अरे मैया, अरे मैया का मैया, अरे मैया का मैया, माँ कसम जिंदगी में कभी नहीं आएंगे भाई। आज मैं बीच में था कि हालत खराब हो गया, गलती कर दी आके भैया, बहुत डर लग रहा है, जबरदस्त बहुत बड़ा पापी है। तो आपको एक्सीलेटर यहाँ से लीजिएगा तो बढ़ते जाएगा वो। नो नो नो। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं फन सिटी जलालपुर पार्क में आ चुका हूँ और यहाँ पर बहुत ही मस्ती आज होने वाला है। तो पैकेज वगैरह क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर हम लोग यहाँ पर देखें अभी क्या क्या मैं करने वाला हूँ। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। टिकट कटाना गाइस, तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा टिकट कटाने के लिए, और यहाँ पर ऐसे पैकेज लिखा हुआ, अभी ऑफर चला है तो जल्दी से आप लोग आइए। देखिए यहाँ पर ऑफर लिखा हुआ है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके ऑफर देख लीजिएगा। मैं तो मिक्स फोन लिया है, आपको कोई एक या दो आप नहीं कर सकते हैं, आपको कोई एक ऑफर लेना ही पड़ेगा। 750 में आपको इतना मिलने वाला, अगर एक एक आप चुनिएगा तो आपको ज़्यादा ही 1000 के ऊपर चल जाएगा। इससे अच्छा आप लोग ऑफर का फ़ायदा उठाइए। तो गाइज मैंने अपना टिकट ले लिया है, ये देखिए मेरे को एक मिला है यहाँ पर कार्ड, और ये 6 मंथ के लिए वैलिड है, तो इसी में पैसा पेड हो चुका है। और जो आपको यहाँ पर करना है जितना 750 में आप कर सकते हैं। तो देख लिए गाइस यहाँ पर से स्टार्टिंग अभी हम लोग का होगा, और ये सब आप लोग देख रहे हैं रबर का है, क्या रखा हुआ है, टायर है, तो टायर से आप लोग गोल घुमाने के लिए यहाँ पर है। अभी मैं चलाऊंगा तो वो दिख जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला भी करने वाला है, देखिए यहाँ पर गो कार्ट हम लोग का होगा, और बहुत सारा लगा हुआ है, नहीं क्या अकेले आप लोग फैमिली के साथ भी अपने आ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अभी तो मैं फिलहाल करने वाला हूँ। ये देखिए गाइस कपल के लिए डबल सीटर है, जो कपल है उनको तो बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं कपल हो, अगर साथ में हो तो वही कर सकते हैं ना भैया, साथ में कोई दोस्त हो तो ऐसा नहीं है कपल ही के लिए, दोस्त भी तो आप लोग साथ में ही कर सकते हैं गाइस। और अभी हम लोग करने वाले हैं, और सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट भी, ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही डायरेक्ट बैठ जाएगा, चोट वगैरह लग जाए उसके लिए हेलमेट भी है। वैसे चोट लगेगा डरिए नहीं, मज़ा बहुत आने वाला है, बट सेफ्टी ज़रूरी है। अच्छा और बैठ जाए, ये लीजिए बैठ गए। और चलाने के लिए ये है, ये आपका एक्सीलेटर है, अच्छा ये आपका ब्रेक है, ये ब्रेक है, और इसे बस लेफ्ट राइट टर्न करना है, राइट लेफ्ट टर्न करना है बस। और एक्सीलेटर को आप जितने ज्यादा पुश करेंगे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक उतने ज्यादा स्पीड भागेगी। अच्छा, बस टर्निंग पे आपको ध्यान देना है कि आपके पास हैंडल वगैरह है, राइट साइड टर्न करना हो तो राइट साइड, लेफ्ट साइड टर्न करना हो तो लेफ्ट साइड। अच्छा, टर्निंग पे जाने के बाद थोड़ा एक्सीलेटर को कम कर दे। अच्छा, और टर्निंग के बाद जब स्ट्रेट में जाना हो ना, हाँ, तो उसमें एक्सीलेटर पुश करके टर्न के, हाँ, ये इंजन है होंडा का इंजन है, ये जब गर्म हो जाती है ना तो साइलेंसर ज्यादा हीट हो जाती है। अच्छा, होने की वजह से आप अगर हाथ इधर उधर करते हैं, हाँ, तो आपको जल सकता, जल सकता है। अच्छा, हाथ को ऐसे नहीं करना है ना, नहीं, नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है, जब इसी पर हाथ रखे रहना। ये देखिए गाइस, तो आपको एक्सीलेटर यहाँ से लीजिएगा तो बढ़ते जाएगा वो, आपके एक्सीलेटर पर डिपेंड करता है। वो बहुत मजा आ रहा है, घुमाते टाइम बस थोड़ा सा धीरे कर लीजिएगा। चलिए फिनिश हो गया, देखिए फिनिश लिखा हुआ है, वाह बहुत मजा आ गया गाइस। इधर मत छुएगा, थोड़ा गर्म हो गया, चल रहा था मेरे को तो बहुत मजा आया, पूरा पैसा लग रहा है, वसूल हो गया, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। देखिए फिनिश हो चुके हैं, और दो तीन साथ में तब कुछ ज्यादा मजा आएगा, अकेले में उतना नहीं आने वाला, रेस अपना कर सकते हैं। तो गाइस अभी सिंगल वाला की अब डबल वाला करके आपको दिखाते हैं कैसे होता है। भैया ने बोला कि दोनों आदमी को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत मजा आएगा सिंगल वाला में। तो आप लोग आ रहे हैं तो फैमिली के साथ आइए, अपने दोस्त के साथ आइए, कपल भी आ सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। और मैं तो बोलूंगा डबल ही आइए, सिंगल मत आइए, डबल में आपको ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छा, ये देखिए गाइस, एक ही इसको ड्राइव कर सकता है, ये डबल है तो डबल ड्राइव करना, बस आराम से बैठे रहिए और मजा लीजिए। तो इसमें भाई कोई बच्चा भी चलिए आपके साथ बैठ सकता है, लेकिन 10+ भाई बोल रहे हैं, छोटा बच्चा अलाउ नहीं है। डबल वाला में सिर्फ एक ही यहाँ से देखिए, ये सिर्फ दिखावा के लिए, इसको मैं छोड़ भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो रहा है और ये कंट्रोल कर रहे हैं, बट थोड़ा लगता है कि हाँ भाई यहाँ से चला रहे हैं तो देखने में अच्छा लग रहा है। एक इंसान ऐसे बैठेगा कोई तब भी आराम से चल जाएगा।
तो बहुत मजा आ गया। चलिए फिनिश हो गया हम लोग का, बस बस कर दीजिए। तो गाइस बहुत ही मजा आया, सिंगल वाले कर लिए, डबल वाले कर लिए, अब आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या करने को मिलता है। तो बहुत ही मजा आ रहा है। तो अभी गाइस आ गए दूसरे वाले में, देखिए मेल्टडाउन है, इस पे क्या है, उछलना है या चलते रहे इससे उछलना है। तो चलिए ब्लॉग में अभी बहुत ही मजा आने वाला है, इससे उछलना है, इससे नीचे झुके बैठना है, तो ये भी अच्छा रखिए, नीचे झुक जाना है और ये है तो ऊपर उछल जाना है, चोट आपको नहीं लगने वाला है, आराम से करिएगा। ओ भाई, अरे भाई, अरे गलत जगह आ गए भाई, आप लोग इसको तेज भी करवा सकते हैं, तेज भी हो जाएगा भैया फास्ट। नो 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 तो बहुत ही मजा आया गाइस, भैया तो बोले 10 राउंड, मैं बोला 50 राउंड में करने वाला हूँ, 10 राउंड में हालत खराब हो गया, जब तेज किए तब हुआ, शुरू में तो लग रहा था आसान है, कोई भी कर लेगा, बच्चा कर लेगा, 2 साल कर लेगा, जब फास्ट थोड़ा किए तब हालात खराब हो गए, देख सकते हैं मेरा पसीना आ गया, लेकिन एंजॉय करने वाला है, मजा आने वाला है, नहीं कि थकने वाला है, एंजॉय करने वाला है, बहुत एंजॉय करिएगा, बच्चा लोग आएंगे 2-3 साथ एक साथ रहेंगे तब अकेले उतना नहीं मजा आएगा, 4-5 लोग करेंगे साथ तब मजा आएगा, गिड़िए करेंगे उधर, लेकिन मैकेनिकल बुल इसके ऊपर बैठ जाना है, देखिए बैठने के बाद क्या होगा स्टार्ट होने का पता चलेगा, इधर से पैर रखने के लिए आएगा इस, अब आराम से इसके ऊपर बैठ जाइए, बस बैठे रहना है। ओ भाई ये देख लिए क्यों डैड बोला है, ये मेरे को सिर्फ घुमाएगा, गिरना नहीं है, जो गिरा उसको 1000 रुपये नहीं मिलेगा, अरे अरे ये देखिए, इसे गिरना नहीं, इस पर बैठ के ना घूमना है। तो गाइस अगला हम लोग करने वाले 360 साइकिल काट के, हम लोग रेसिंग वाला काट के बगल ही में है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिएगा सेफ्टी भी है इसमें, भैया पर टाइट कर देंगे हम लोग को, क्योंकि 360 गोल घुमा जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इसको पकड़ाएंगे तो भाई नीचे ही आ जाइएगा। ठीक है देख लीजिए, बहुत टाइट हो चुका है साइकिल, जो आप लोग पकड़ लीजिए उतना टाइट किया गया है, क्योंकि पूरा 360 घूमने वाला है, देखते हैं क्या होता है। ब्रेक वाला कौन है भैया, दोनों से मार सकते हैं, अच्छा लाइए अपना 360 ना, ओ तेरी, एक थोड़ा ढकेलिएगा भैया। तो ये था गाइस हम लोग का 360 साइकिल, बहुत ही मजा आया और भयंकर मेरा इंसल्ट हो गया, 1-2 राउंड घुमा पाए, वो ही भैया थोड़ा हेल्प किए, तो चलिए लेकिन बहुत ही मजा आया, आप लोग आइए तो आप लोग भी एंजॉय करने वाले हैं। टॉयलेट का भी गाइस यहाँ पर व्यवस्था है, जेंट्स लेडीज़ दोनों का अलग से है, देख लीजिए। और ये था हमारा फन पार्क, बहुत ही इंजॉय किया यहाँ पर, अभी तो 3 फिलहाल किए, और भी यहाँ पर बहुत कुछ इंजॉय करने के लिए, लेकिन आपको पैक उसका अलग से लेना पड़ेगा। तो ये वाला गाइस जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये अभी नया खुला है जलालपुर फन, और जो आप लोग पैक लीजिएगा तो पैक में जो ऐड है वो हम लोग को दूसरे साइड ले जाएगा, यहीं का गाड़ी ले जाएगा, उसका कोई अलग से आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यहीं से गाड़ी ले जाएगा। हम लोग जा रहे हैं फिर से वहीं पर जहाँ से स्टार्ट हुए थे, जहाँ पर बिलिंग काउंटर है वहाँ पर वेट करेंगे, गाड़ी आएगा फिर हम लोग को ले जाएगा, और जो करना है ऊपर वाला साइकिल लाइटिंग वो सब उस पार्क में होगा दूसरी जगह। Game face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back, I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you can hate on that, I don't play both sides. Guys, हम लोग अभी आ गए हैं दूसरे डेस्टिनेशन में, उससे थोड़ा दूर था, बहुत लगा दूर था, पूरा गाड़ी हम लोग को लेके आया, और गाड़ी का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, खुद ही वो अपना ले जाते हैं गाड़ी से। चलिए तो हम लोग आ गए हैं, देखिए यहाँ पर से स्टार्ट हो चुका है, अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस अभी मेरा होना है जीप साइकिल, देखिए मैं रेडी हो चुका हूँ, अब चलिए चलते हैं स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। अभी गाइस सेफ्टी ये देखिए लगा हुआ है, अब इस पे चढ़ते हैं फिर बैठ जाते हैं, और अकेले जाना है धीरे धीरे चलाकर, सीधे चलाते जाना ना भैया। स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही डर लग रहा है, जिंदगी में कभी नहीं आएंगे साइकिल वाला पर भैया, गलती कर दी आके भैया, बहुत डर लग रहा है, जबरदस्त बहुत बड़ा पापी है, अब कभी नहीं आएंगे भैया, माँ कसम खा के बोले भैया, बहुत डर लग रहा है, मजाक नहीं कर रहे आप लोग, लग रहा है कॉमेडी के लिए बोल रहा है, बस बहुत ज़्यादा जबरदस्त डर लग रहा है, अरे हवा लगने लगा भैया, धीरे धीरे चला के कैसे कैसे जा रहे हैं मेरे को पता है, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएंगे साइकिल वाला भैया, अकेले हो साथ में कोई हो, जिंदगी में कभी नहीं आएंगे भैया।
अच्छा सा गाइड साइन मिलेगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। वो 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 गाइस वो वो ओ माय गॉड ओ माय गॉड, बहुत बड़ा पाप कर दिया भाई। अरे भैया बहुत बड़ा पाप लिया। अरे भैया, अरे मैया का मैया, अरे मैया का मैया, अरे मैया का मैया, कौन जाएंगे भैया। ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ओ भैया ओ बहुत जोरदार था भैया, अब कभी नहीं आएंगे भैया। ओ माय गॉड, ओ भैया भैया तो बहुत जबरदस्त था। वीडियो शूट करते हुए जाने में थोड़ा डर लग रहा था, ऐसे आप लोग आते तो मज़ा आता। उल्टा उल्टा मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले स्काई रोलर में, देखिए इसके बाद इसके बीच में खड़ा हो जाना है और चलाते हैं उसको, बस रोल करके आपको जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अपना फोन लेता हूँ, कार का कमाल है मेन। स्टेट सर जी भी नहीं जाएंगे भैया, नहीं हो पाएगा। नहीं सर दीजिएगा कुछ नहीं, आप बॉडी को सीधा रखिए सर, और आगे आइए, और आगे आइए। हाँ नहीं कुछ नहीं होगा सर, कोशिश कीजिए। Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. और पैर को पूरा स्टेप रखिएगा सर, ठीक है। स्टेप बड़ा लीजिएगा, एक यहाँ डाले तो दूसरा यहाँ डालिएगा, अच्छा तीसरा यहाँ डालिएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ इसके सिवा और किसी को नहीं पकड़ना है सर, ठीक है ठीक है, ओके सर। माँ कसम जिंदगी में कभी नहीं आएंगे भाई। आज मैं बीच में था कि हालत खराब हो गया। वाह अरे वाह, अरे वाह, ओह माय गॉड भैया जाने है और अच्छा। अरे वाह, अरे बाप रे बाप, हालत ख़राब हो गया, पसीने निकल गया भाई, ज़बरदस्त था ये वाला। ये देखिए, ओ वो ओ माय गॉड, वो ये तो भैया दौड़ गए यार, भयंकर बेइज्जती हो गया। तो गाइस हालत ख़राब हो गया, बहुत ही मज़ा आया, लेकिन अकेले करने वाला नहीं, बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बोलूँगा सच बोलूँगा। बाकी मज़ेदार था, बीच में तो मैं अटक गया, आपको पता ही चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। अब भैया ने तो आराम से कर लिया, एक बार में चले गए। अब हम लोग ये स्विंग करने वाले हैं, जाइंट स्विंग एकदम ऊपर ले जाएगा। चलिए फाइनली हम लोग का है, इसमें एक बार में दो बैठ सकते, सिंगल नहीं किया जाता। बिना गैस हेलमेट का आपको किसी भी झूला में नहीं दिया जाएगा, पूरा सेफ्टी के साथ जो भी यहाँ पर झूला आप लोग एंजॉय करने वाले, सब में हेलमेट वगैरह और सेफ्टी के साथ आपको झूला जाएगा। चलिए हम लोग फाइनली अभी इसमें लास्ट में जा रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ये तो बहुत डरावना था, मैंने तो अभी देखा, बट फाइनली मैंने लास्ट में सोचा कि चलो इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं। तो गाइस बहुत ही मजा आ गया, शुभम कैसा लगा? बहुत मजा आया भाई, देखिए ऊपर जब जाए गाइस। हाँ कहाँ पर डर लगा शुरू में? जब छोड़ा तब, जब छोड़ा उसके लगेगा एकदम हल्का सेकंड के लगेगा, उसके बाद आपको कुछ ही फील नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को लगेगा ना भैया को बार बार चिल्लाएगा नीचे कर दे, बेकार है ऊपर ही लीजिए वही अच्छा है, बस छोड़ेगा वहाँ पर हल्का सा लगेगा सेकंड के लिए, उसके बाद आपको कोई भी डर नहीं लगने। बहुत ही मजा आ गया, लग रहा था दोबारा करे, लेकिन शुभम बोले कि नहीं दोबारा नहीं करना है। चलिए गाइस ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। Game face on when I chase like that, yeah I play so strong with a knife in the back, I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you can hate on that, I don't play both sides, doing me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap, I'ma fly real high, you ain't see me stack. तो गाइस आप कहीं पे भी जाइएगा तो आपको गाइड कर दिया जाएगा शुरू में कैसे करना है। देखिए भैया चढ़ रहे हैं तो भैया को शुरू में गाइड कर दिया गया। तो गाइस बहुत ही मजा आया, पूरा पैसा हो गया वसूल, आप लोग भी आइए अपने फ्रेंड के सर के, अकेले तो मत आइएगा, आना है तो फ्रेंड के साथ आइए, बहुत एंजॉय आप लोग करने वाले हैं। चलिए तो इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर। नया वाला जो दिघा बना उसी से हम लोगों का सीधे आपको पुल पर चढ़ जाना है, और हम लोग सेतु पुल पर जा रहे हैं, सेतु पुल बोलेंगे ना, जेपी सेतु पुल में हम सीधे बढ़ते जाना है। तो डेस्टिनेशन आप लोग देख लीजिए गाइस, बहुत ही आसान है, हम लोग बिल्कुल सीधे जा रहे हैं जेपी सेतु पुल के। तो इसको तो पूरा क्रॉस करना है, लास्ट तक जाना ही पड़ेगा। गांधी मैदान का डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा, रूट नहीं पता तो मेरे ऊपर ब्लॉग आई बटन पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा।
तो ये गाइस देखिए जराकू फंड है, अब आपको यहाँ पर जाने के लिए घूम कर जाना पड़ेगा, बिल्कुल पुल से सीधे आना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, मरीन ड्राइव का रूट पकड़ लीजिए और आ जाइए यहाँ पर। यहाँ पर देखिए गाइस बोर्ड लगा हुआ जलालपुर फन का, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इधर से नीचे जाने का डेस्टिनेशन एरो है। पुल से आप लोग डायरेक्ट सीधे आते आना है, कोई लेफ्ट राइट कोई टर्न नहीं लेना है, बहुत ही आसान था। अब इस साइड हम लोग घूम लेंगे, इधर मत घूमिएगा गाइस। थोड़ा गांव जैसे इलाका में लग रहा है भाई। ये देखिए आगे मत चल जाए, यहाँ पर बोर्ड आपको दिख जाएगा, इसी के अंदर जाना है, देख लीजिए। तो यही था गाइस डेस्टिनेशन कैसे आने आया है, मैं आपको दिखा दिया।